नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनी ऑफ डिजिटल न्यूज़ MDN पर। दोस्तों बात करने वाले हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड स्टॉक के बारे में। सो गाइस, इस स्टॉक के लिए काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स नज़र आए थे एनालिसिस को लेकर, तो फिलहाल इस स्टॉक पर अभी के टाइम चर्चा की जाए तो दोस्तों आज की जो लास्ट सेशन क्लोजिंग रही है वो 175.70 रुपये पर रही है, जो एक अच्छी पॉजिटिव तेज़ी के साथ क्लोजिंग रही है। तो फिलहाल अभी के टाइम दोस्तों बजट अनाउंसमेंट के पहले इस स्टॉक की क्या प्राइस जंप कर सकती है, साथ ही साथ इस बजट अनाउंसमेंट होने के बाद दोस्तों जो है रेलवे सेक्टर में कितनी तेज़ी देखने को नज़र आएगी, तो उस चीज़ पर क्या अपडेट रहेगी। जो अभी के लिए प्राइस तो काफ़ी अच्छी रही दोस्तों, आज के इंट्राडे की जो जंप रही वो 178.60 रुपये नज़र आई है, जो काफ़ी अच्छी प्राइस के साथ ग्रीन सिग्नल हमें मिल रहा है कि मार्केट में जो तेज़ी है वो कड़ाके के साथ देखने को नज़र आने वाली है। क्योंकि लास्ट 5 सेशन में इस स्टॉक का जो परफॉर्मेंस था वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव के साथ नज़र आया, जो प्राइस हमें दोस्तों लगभग जो देखने को नज़र आई इस लेवल पर जाके अगर देखा जाए तो 178.30 रुपये पहले भी नज़र आई थी, पर गिरावट जो थी वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। जो यहाँ पे प्राइस पॉइंट पे देखा जाए तो 176.14 रुपये तक प्राइस में गिरावट का जो माहौल था वो कहीं ना कहीं क्रिएट हुआ, मार्केट काफ़ी ज़्यादा डाउन जाया देखने को मिला। पर लास्ट 1 मंथ की अगर चर्चा की जाए तो लास्ट 1 मंथ में दोस्तों काफ़ी बड़ी गिरावट उससे भी ज़्यादा नज़र आएगी, जो 167.95 रुपये तक मार्केट टूटता हुआ नज़र आया था। पर अभी इस स्टॉक ने कहीं ना कहीं वापस जो कम बैक किया है, तो वो इलेक्शन की वजह से भी इस स्टॉक में काफ़ी बड़ी क्रेश नज़र आई थी। और फिलहाल दोस्तों इस स्टॉक की जो टारगेट्स अभी देखने को मिलने वाले हैं दोस्तों, अभी जो बजट में अनाउंसमेंट हो सकती है, तो दोस्तों बजट अनाउंसमेंट में कहीं ना कहीं दोस्तों रेलवे सेक्टर में तो बढ़िया पॉजिटिव अनाउंसमेंट होने वाली है, क्योंकि लगातार अभी के टाइम इस स्टॉक की जो टारगेट जा सकती है वो दोस्तों 280 रुपये से लेकर दोस्तों 320 रुपये तक की जो टारगेट्स हैं वो आने वाले बजट के बाद की जो प्राइस है वो देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ कंपनी दोस्तों ऑलरेडी डिविडेंड पहले ही दोस्तों अनाउंसमेंट कर चुकी थी, कंपनी ने पहले भी डिविडेंड अनाउंसमेंट किया था, तो ये कहीं ना कहीं प्राइस पॉइंट सेगमेंट में दोस्तों एक अच्छा डेटाबेस निकल के आ रहा है कि कंपनी अच्छी खासी ग्रोथ कर रही है। और दोस्तों ग्रोथ कर भी क्यों नहीं रहेगी, क्योंकि दोस्तों अभी कंपनी दोस्तों PSU स्टॉक के तहत आती है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं दोस्तों कंपनी के ऊपर दोस्तों जो दबाव है वो है नहीं कि कंपनी इतना ज़्यादा जो है दबाव के अंदर मार्केट में कार्य करे, और उसी के बीच कहीं ना कहीं दोस्तों कंपनी का जो लगातार जो डेटाबेस है वो स्ट्रॉन्ग ही नज़र आएगा। तो अनाउंसमेंट दोस्तों बजट वाली काफ़ी पॉजिटिव हो सकती है, तो मैं तो आप लोगों को यही रेकमेंड करूंगा कि फिलहाल दोस्तों जो अश्विनी वैष्णव जो है जो रेलवे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, तो वो कहीं ना कहीं दोस्तों अभी के टाइम जो है वो आगे चलकर दोस्तों बड़ी अनाउंसमेंट कर देंगे बजट के अंदर, तो इस बीच दोस्तों रेलवे सेक्टर में काफ़ी बढ़िया तेज़ी नज़र आएगी, क्योंकि लगातार जो परफॉर्मेंस थी ऑल ओवर ग्रोथ पर अगर देखा जाए इस स्टॉक का तो वो काफ़ी बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि 6 महीने के अंदर कंपनी का रिटर्न को काफ़ी ज़्यादा रहेगा, साथ ही साथ पिछले 1 ईयर का रिटर्न अगर टाइम बात की जाए तो 432% का जो रिटर्न है वो हमें नजर आएगा। साथ ही साथ दोस्तों पिछले 5 ईयर में अगर बात की जाए 5 सालों पर अगर देखा जाए तो 608% का जो रिटर्न है वो स्ट्रॉन्ग देखने को नजर आएगा। तो अभी दोस्तों इन्वेस्टमेंट करने का जो मौका है वो यही सबसे सही समय होने वाला है, क्योंकि दोस्तों कुछ समय के अंदर दोस्तों अभी के टाइम जो है बजट अनाउंसमेंट अगर होने वाली है तो इसमें दोस्तों जो है अभी जो वर्तमान गवर्नमेंट बनी है तो वो दोस्तों जल्द ही वापस जो है गिरने के जो चांसेज हैं वो ज़्यादा नजर आ रहे हैं, तो इसमें शॉर्ट टर्म का जो प्रॉफिट है वो काफ़ी बढ़िया होने वाला है। मैं तो सजेस्ट करूँगा जितना जल्दी हो सके शॉर्ट टर्म का प्रॉफिट बुकिंग भी हमें ध्यान में रखने की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। फिलहाल आगे बढ़ने से पहले बता दूँ, चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर से सेलेक्ट कर लेना। अब फिलहाल दोस्तों कंपनी का डेटाबेस अगर बात की जाए तो दोस्तों कंपनी का मार्केट कैप 229,692 करोड़ का रहेगा, जिसमें कंपनी का दोस्तों डेप्थ को साइड किया जाए क्योंकि दोस्तों कंपनी PSU स्टॉक के अंडर आ रही है, तो इस वजह से दोस्तों अभी के टाइम कर्ज का जो है अभी के टाइम कुछ दबाव होने वाला है नहीं। पर अभी कंपनी की दोस्तों सेल्स की ग्रोथ और प्रॉफिट की ग्रोथ पर अगर चर्चा की जाए तो वो नॉर्मल देखने को मिल रही है। पर अभी कंपनी की सेल्स पर अगर चर्चा करें तो कंपनी की जो सेल नज़र आने वाली है तो कंपनी के ऑल ओवर सेल में दोस्तों ग्रोथ नज़र आई है, कंपनी के जो खर्च है वो काफ़ी अच्छे मेंटेन हो रहे हैं, तो इस वजह से कहीं ना कहीं हमें पेशेंस बना लेने चाहिए। और दोस्तों साथ ही साथ लास्ट रिजल्ट की भी अगर चर्चा करते हैं तो दोस्तों लास्ट रिजल्ट निकल के आया तो उसमें प्रॉफिट काफ़ी अच्छा इंक्रीज हुआ था, 1717 करोड़ का हुआ था, क्योंकि Q3 के रिजल्ट्स के अंदर दोस्तों 1590 करोड़ का प्रॉफिट था, पर इस लास्ट Q4 के रिजल्ट के अंदर 1717 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, तो इस बीच कहीं ना कहीं कंपनी का फ्यूचर जो है इनकेस चेंजेस में नज़र आ रहा है, जो फ्यूचर ग्रोथ है वो इंक्रीज़ हो रही है। पर दोस्तों वर्तमान गवर्नमेंट में दोस्तों कुछ जो है यहाँ पे इश्यूज़ देखने को मिल रहे हैं, और वर्तमान गवर्नमेंट अगर फिर से डिस्ट्रॉय होती है, अगर वर्तमान गवर्नमेंट में अगर एक बार
फिर से जो सरकार बदलती है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों वो चीज़ें हमें फेस करनी पड़ सकती है जो आगे चलकर हमें कहीं कभी सोची नहीं होगी। क्योंकि अभी के टाइम कंपनी का जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा इंक्रीज़ हो रहा है, प्रॉफिट काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। पर कंपनी आने वाले टाइम में दोस्तों जो है क्या इस बजट में दोस्तों अगर कंपनियों से रिलेटेड, अगर पीएसयू सेक्टर से रिलेटेड, रेलवे सेक्टर में कुछ बड़े अनाउंसमेंट होगी तो दोस्तों रेलवे सेक्टर के जो शेयर है वो 100% दोस्तों टारगेट हिट करने वाले हैं, लाइफ टाइम हाई पे जाने वाले हैं। तो इंतजार हमें कर लेना चाहिए, कुछ समय का शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग हमें करने की रिक्वायरमेंट होने वाली है। फिलहाल आपकी नज़र में इस स्टॉक की और कोई बेसिक जानकारी हो कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी, पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।